हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज है जन्माष्टमी, मतलब 18, 10, 19 दोनों दिन जन्माष्टमी है। सो मैं लास्ट 3 साल से जा रहा हूँ जन्माष्टमी को, तो मैं सोच रहा था कि यार हॉस्टल में आ गया हूँ तो पर जाना चाहिए। तो अभी अराउंड बज रहे हैं 9 और हम अभी निकल रहे हैं, 9-10 बजे तक निकल जाएंगे। अभी तो तैयार वगैरह होना है, सब कुछ होना है, तो बस तैयार हो जाते हैं, निकलते हैं। रात को 12 बजे हमें स्पेशल ओकेजन होता है, हमें केक वगैरह भी कटता है, तो सब कुछ देख के आएंगे। चलो तो चलो, इंडियन हम वेयर रेडी सारा। मैंने थोड़ा कुर्ता वगैरह पहन लिया और फिर मैं टीका भी लगाया, ये मैं जब पहले इस्कॉन जाता था तब लगाया करता था। तो चलो अभी हम निकलने वाले हैं, चलो हम कृष्ण नाम लेके निकलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो निकलते हैं, जल्दी से जाके आर्य को बुलाता हूँ सबसे पहले। अबे आर्य यार, तू सो रहा है, आने नहीं वाला मेरे साथ? रेडी है। चल ठीक है, चल यार। मतलब इसका अलग ही चल रहा है अभी तक, ये देखो तैयार नहीं हुआ अब तक। मतलब क्या यार, अरे यार सो रहा है। मैं इसको बोल के गया था आधे घंटे पहले तैयार होके बैठ जाना। चलो इंडिया हम निकल गए। आर्य मुझे बहुत टाइम लगा दिया रेडियो में, पता है कितना, आधा आधा पौना घंटा तो इसने लगा दिया रेडियो में। तो चलो हम निकल गए हॉस्टल से। चलो हरे कृष्ण। हम निकल तो गए पर भाई बहुत मतलब तकलीफ होगी, क्योंकि हम 10 के बाद निकले ना, तो यहाँ पे हाफ चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा अभी रिक्शा का, और वो वेरी दूर जाना है हमको, अराउंड 6.5 किलोमीटर जाना है। देखते हैं, यहाँ पे हमको रिक्शा नहीं मिल रही, और ये आर्या दिखा रहा हूँ, ये आर्या को फालूदा पीना है। मतलब क्या है ना यार, मतलब रिक्शा के लिए वेट ही कर रहे हैं हम, तो उसको पीना था तो पी गए। मैं तो डाइट पे हूँ, अबे जिम बॉडी बनाएगा, बॉडी बनाएगा। काफ़ी टाइम हो गया रिक्शा बुक करके, पर अभी वेट तो कर रहे हैं, टुकू भी बुक किया है, काफ़ी टाइम लग रहा है। आ तो रहा होगा बच्चा। चलो यार वी गो, चल 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 जल्दी चल। चलो उतर गए। चलो इंडिया हम पहुंच गए। बहुत असमंजस में थे कि मंदिर खुला होगा नहीं खुला होगा, ये नया शहर है पता नहीं था, खुला है वही खुला है आज मंदिर। यहाँ पर एंट्री करने का सारी शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं, जहाँ पर से हम सामान ले सकते हैं। वहाँ पे मालाएं वगैरह रखी हैं, कपड़े वगैरह रखे हैं, यहाँ पे फोटोज़ वगैरह रखे हैं, यहाँ पे भागवत गीता ग्रंथ रखे हैं काफ़ी सारे। ले लो आगे मंदिर के अंदर, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़। ये सारे पाथू इसलिए लगाए हैं कि भीड़ को संभालने के लिए। There are a lot of devotees sitting here. तो गाइस हमारा बहुत बड़ा पोपट हो गया है, मंदिर अभी बंद नहीं है, मतलब मंदिर तो खुला ही है, पर सारा मुहूर्त नहीं होगा। हाँ सब ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे का है यार, क्या बोले पता है, बुरा तो काफ़ी लग रहा है। अभी जाते हैं रूम पर वापस, कल वापस आएंगे, कल ही ब्लॉग कंप्लीट करेंगे। देखो तो गाइस हमें रिक्शा आ गई है, वापस निकल रहे हैं हम हॉस्टल को। चलो हम इन दी एंड आ गए, आर्य भी पहुंच गए अपने रूम पर, मैं भी अपने रूम में आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, और ऊपर से बहुत सारे पैसे भी वेस्ट कर दिए, रिक्शा में इतना नाइट चार्ज बहुत लग गया। चलो अभी देखते हैं कल जाएंगे, देखते हैं, अभी तो बहुत बुरा लग रहा है। सो गाइज सी यू टुमारो, मतलब व्लॉग तो कम्प्लीट करना ही है। बॉय सो हियर आई एम बैक अगेन। अभी हम निकल रहे हैं, जब अभी नेक्स्ट डे की रात हुई है, अभी अराउंड 9:30 बज रहे हैं और हम जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि 10 के बाद वापस टेंशन ये बाहर हॉस्टल से बाहर निकलने का। चलो निकल। तो चलो अभी आर्या का रहने का तो प्लान कैंसिल हो गया, तो हमारे मेरे साथ आ रहे हैं दो मेरे सीनियर्स, एक अनुप भैया एक वैभव भैया। तो चलो उनके पास जल्दी निकल रहे हैं यार, काफ़ी लेट हो गया। अनुप भैया रेडी हो के बैठ गए हो सब? वो हियर वी गो गाइस। चलो इंडियन हम निकल गए और अभी बस वेट कर रहे हैं रिक्शा के लिए। चलो गाइस हम इंडियन पहुंच गए, यहाँ पे काफ़ी सारे भक्तजन हैं, मतलब यहाँ पे भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। ओ धीरे यार, यहाँ पे बस सिक्योरिटी भी लगा के रखी है, यहाँ से आगे तो गाड़ियों को भी नहीं जाने दे रहे, इसलिए हम पहले ही उतर गए थोड़ा सा। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा। क्या लग रहा है अनुप भैया? मेले वाला फील। अरे हाँ, ये मतलब लिटरली मेला ही लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा शॉप्स और ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अनुप भैया वीडियो बनाने का मेरा काम है, चलो।
चलो हम पहुंच गए इस्कॉन के मंदिर के पास। चलो इन द एंड कल आके बहुत रिग्रेट हुआ था। चलो हमने सैंडल्स वगैरह निकाल दिए, चप्पल वहाँ पे रखे हैं। और क्या चप्पल है, भीड़ ही भीड़ है यार। चलो 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 जल्दी जल्दी आगे चलो। ओ भाई धक्का मुक्की मत करो गाइस। यहाँ पर अंदर जाने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। देखो ये गेट एंट्रेंस दिया है, वहाँ पर से बहुत कम लोगों को छोड़ रहे हैं। हम बहुत मुश्किल से अंदर आए। चलो जल्दी घूमते हैं, चलो थोड़ी देर अब देखते हैं क्या। यहाँ पर सब झूला झूला रहे हैं, हमारे कृष्ण भगवान को यहाँ पर झूला लगाया हुआ है। ₹10 का दान ले रहे हैं। वो स्लोगन है एक ही ढाब के नाम, जो हमारा इस्कॉन टेंपल की गति नहीं मिल पा रही है, वो गति हमारे जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ ₹10 का दान कर दिए अगर एक ईंट का, तो हमारे मंदिर की गति बढ़ेगी और हम मंदिर का कंस्ट्रक्शन तुरंत कर पाएंगे। हरी हरी बोल, हरी बोल। आप यहाँ पे हमारे जगन्नाथपुरी भगवान को देख सकते हैं। उनकी आंखों पे पलकें नहीं होती, वो अपने भगवान अपने शिष्यों को देखने के लिए इतने आतुर होते हैं कि वो अपना एक भी क्षण व्यतीत नहीं करना चाहते, अपनी आँखें झपका के भी। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। आपसे दान बन सकता है, हरी बोल। तो अब हम जा रहे हैं हमारे भगवान कृष्ण के एक्ट को देखने, और एक एक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। अरे तेरी बहन है, तेरी संतान है, तेरा निराल हाल हो इस गर्भ से जो आत्मा ने जन्म लेगा, वही तेरा वध करके तेरे चारों कर्म का अंत करेगा। मेरी बहन की संतान मेरा कहां कहां इतिहास साक्षी है कि आकाश से गूंजने वाली वाणी सत्य सिद्ध होती है। देवकी, देवकी सुना तूने, तेरी आठवीं संतान मेरा वध करी। आपको हमारी संतानों से ही तो मृत्यु का भय है ना। तो मैं यदुवंशी वसुदेव आपको ये वचन देता हूं कि जब आप हमारे यहां संतान का जन्म का विषय सुनेंगे, तब तब मैं अपनी उस संतान को आपको लाकर सौंप दूंगा। आप उसके साथ जैसा चाहे व्यवहार करना। यार लोग भैया एक्टिंग वहाँ पे चल रही है, आप यहाँ पे बुला रहे हो। अरे यार मैं घूम के आता है यार। अंदर चले। चलो शो तो काफी टाइम तक चलेगा,
पर अभी थाने में रुक नहीं सकते क्योंकि हॉस्टल में जल्दी जाना है, तो अलाउ ऑडिशन लेके आए, इस बार हम हॉस्टल में जा सकते हैं लेट अराउंड 12:30 तक हमको पहुँचने को बोला है वापस। चलो हमारे मेरे साथ दोनों आ गए बोला, नहीं तो मैं अकेला, मेरे को मम्मी भेजती नहीं। यहाँ पे अराउंड 11:30 का टाइम हो गया है, तो अभी कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे सच में, कल तो पूरा खाली था सर। अबे चप्पलों में मुझको चप्पल नहीं मिल रही थी, काफ़ी टाइम लग गया ढूंढने में। चलो सबको मिल गया। अरे अनुलोक भाई कहाँ पे है? आ गए। ओ मिल गए मिल गए। अरे अनुलोक भैया कुछ खाएंगे क्या? कुछ खाएंगे आइसक्रीम वगैरह? खिला रहा है क्या तू? मैं खिला नहीं रहा, खाएंगे तो बोल। और पैसे भी नहीं है पहली बात तो, मेन बात तो ये है। तो पहले पूछा तू खिला रहा तो क्या? अनुलोक भैया गुब्बारा जाए क्या? काफ़ी दिनों में देखा यार मैंने ऐसे कुछ। मिकी माउस भी यहाँ पे, उसी का हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लास्ट एक साल से। एक जंप में बेचारा पंचर हो जाए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंटेस्टर, हम ये ट्राई कर रहे हैं लक का खेल। अरे कुछ फायदा नहीं है, कुछ जीतेगा तू, मत टेंशन ले। ये ऐसे मोटिवेट करते हैं लोग, मोटिवेट करना चाहिए। चल 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 डाल डाल। देखो देखो। अरे यार बड़ा थोड़ी मैंने बोला था, चलेगा एक गाइस बोला था मैंने। चलो गाइस कुछ नहीं, हमने कुछ क्या बोलते हैं एक्सप्लोर किया, कुछ अलग अलग, मतलब पहली बार ये लगे मैंने, वो अलग बात है ना, हार गया यार, बुरा लगा यार। कोई बात नहीं, काफी सुंदर मंदिर था, काफी अच्छा लगा आके। अभी ऐसे हम निकल गए हैं, अभी जल्दी से हॉस्टल में पहुंचना, जल्दी से जल्दी। हमारा प्लान था कि रुकने का 12 बजे तक, पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मुझे लगता नहीं कि केक कटते हम देख भी पाएंगे, तो उससे अच्छा हम निकल लेते हैं, हॉस्टल भी जल्दी पहुँच जाएंगे। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। चलो गाइस रिक्शा आ गई, गाइस चलो गाइस। अरे धीरे धीरे, हाँ चलो एडजस्ट कर लो, हो गया हो गया। चलो गाइस उधर जाओ। अरे चप्पल चप्पल। चलो इंडिया हम पहुँच गए वापस हॉस्टल। आप बताओ कैसे लगा जाके? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, पॉजिटिव वाइब से भरपूर मंदिर था। चलो बहुत काफ़ी अच्छा लगा यार। अनुलोक भाई को पूछ, अनुलोक भाई कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मयूर सर जाके आपको अच्छा लगा, एंड मंदिर भी। सर जाके क्या फ़र्क पड़ता है, मंदिर में जाके किसी को घेर के पेल सकते हैं ना, कोई मिलता नहीं। ये अच्छा ले रहे हैं मेरे यार। चलो अनुलोक भाई बाय बाय, बेबो भाई बुई 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 गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। चलो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगा, मैं अपने रूम में आ गया हूँ, काफ़ी सच में काफ़ी अच्छा रहा। मैं कल बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, आज तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ, इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी समेट गया अपने अंदर, अभी काम करना शुरू करेंगे। चलो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो आई जस्ट मिस्ड आउट वन थिंग, अ ग्रेट बिग शाउट आउट टू मिस्टर राहुल यादव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स मैन, थैंक यू सो मच।